नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। हम सब की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए नववर्ष के इस शुभ अवसर पर अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, हमारी वर्तमान सरकार समय समय पर आपके हितों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है और हाल ही में कुछ कृषि कानून भी लागू किए गए हैं जिससे आपको भविष्य में लाभ मिल सकता है। क्या है वे कृषि कानून और किस तरह से सरलता से उन्हें समझा जा सकता है, आइए आपको बताते हैं इनके बारे में विस्तार से। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने में सरकार और किसान दोनों कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसान नित नई तकनीकों को अपनाकर पैदावार बढ़ा रहे हैं तो सरकार किसानों को नई योजनाओं की सौगात दे रही है। इन योजनाओं का लाभ लेकर किसान खेती में आने वाली समस्याओं को कम कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार किसान को सबल बनाने के लिए कृषि कानून की सहूलियत दे रही है। इन तीन कृषि कानून की मदद से किसान पहले की तुलना में ज्यादा सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून के तहत किसान बेहतर दाम पर अपने कृषि उत्पाद को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। इसके साथ ही किसान मंडी या मंडी के बाहर मिल, होटल या एक्सपोर्टर को भी उत्पाद बेच सकता है। इस सुविधा से संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। खरीदारों की संख्या बढ़ने से फसल बेचने के लिए दायरा भी बढ़ेगा। इसके साथ ही किसान अपनी फसल का सौदा अपने राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कर सकेंगे। इस तरह इस कानून से किसानों को देश भर में अपनी उपज बेचने से वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। उपज बेचने में किसानों को मिलने वाले लाभ के बारे में किसान खुद अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हम जितने भी यहाँ के किसान आसपास के अपने बख्तियारपुर वार्ड के हैं, वो सभी चाहते हैं कि ये जो कानून सरकार जो लेके आई है ये लागू हो, अच्छी तरह से लागू हो। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे किसान भाई हैं। मैं आपके टीवी के चैनल से भी मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप भी इस बिल का समर्थन करें। ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आप इसके अंदर और जोड़ना चाहते हैं कि बिल और ये कानून और मजबूत हो तो रखिए, लेकिन आप हटे योग छोड़िए। और दूसरा, ये कानून इसलिए हमारे लिए किसानों के लिए भी महत्व, अगर प्राइवेट कंपनी आएंगी, मेरी ज़मीन बंजर है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो कोई कंपनी मेरे को आके कह रही, मान लीजिए कोई आयुर्वेदिक कंपनी वो कहती है कि आप गूगल उगाइए, आपकी ज़मीन में गूगल का पौधा हो सकता है, तो मुझे एक मार्केट मिल रही है ना, कंपनी को ऑप्शन मिल रही है, मैं गूगल का पौधा उगाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं और समृद्ध होऊंगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नए कानून आने से एक फ़ायदा हो रहा है, देखिए दिल्ली से दूर आप 200 से 250 किलोमीटर जाएं, अच्छी मंडी व्यवस्था नहीं है। ये किसने नई व्यवस्था की वो अब भी जानते हैं। अगर वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ जाएंगी, वहाँ पे नई नई फसलें उगाएंगी तो किसान को ही फ़ायदा होगा और विशेष तौर पर छोटे किसान को फ़ायदा होगा। तो मैं तो इस बिल का पूरा समर्थन कर रहा हूँ, ये जो कानून आया है, और सरकार किसी के भी दबाव में आके इस बिल को वापस ना ले। हमारे देश में कुछ राज्यों में किसान पहले से ही अनुबंध खेती का लाभ ले रहे हैं। इस दिशा में बने कानून से अब देश का हर किसान अनुबंध खेती का फायदा ले सकेगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को किसी भी तरह से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। इस तरह की खेती में लगने वाली पूंजी को वहन वही करता है जिस कंपनी के साथ अनुबंध किया गया हो। इसमें कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति किसान के साथ अनुबंध करता है जिसके तहत किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इससे उन किसानों को अधिक मुनाफा होगा जिनकी भूमि कम उपजाऊ है। इसके अलावा इसमें खाद, बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी का सारा खर्च कॉन्ट्रैक्टर देगा। कॉन्ट्रैक्टर ही किसान को खेती के तरीके बताता है। इस तरह के अनुबंध में फसल की क्वालिटी, मात्रा और उसके डिलीवरी का समय फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। अनुबंध होने के बावजूद जमीन पर मालिकाना हक किसान का ही होगा। इसके अलावा कृषि उपज के दामों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा होगी। अनुबंध खेती में सब कुछ लिखित करार होगा जिसमें किसान को किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है। किसान अपनी मर्जी से करार करेगा। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो किसान अनुबंध का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
ये जो बिल है किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल है। हम सब सभी किसान चाहते हैं कि ये बिल बार बार पास हो, एक बार नहीं बार बार पास हो, जिससे सभी किसान इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है ये हम जैसे किसानों के लिए बहुत अच्छा है। जो कुछ टाइम पहले हम लोग हजारों में गिनती क्या करते थे, मैं अपनी बात बताऊं, आज मैं 1,00,000 हर महीने से ज़्यादा कमाता हूं। पहले मैं 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाता था, लेकिन आज 1,00,000 रुपये से ज़्यादा कमाता हूं, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूं। मैं मशरूम का उत्पादन करता हूं, इसके माध्यम से मुझे 1,00,000 रुपये से ज़्यादा महीने की आमदनी हो रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बिल है खूब अच्छे तरह से पास हो, इसका हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हम तो बहुत दिनों से इस बिल का इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार ऐसा बिल लाए जिसमें किसान को छूट मिले, वो इन बिचौलियों के चंगुल से छूटे और उसे एक पूरा व्यवस्था मिले जिसमें वो अपने सामान को बेच सके और वितरण उसका अच्छे से कर सके, सब जगह बाहर भी वो विदेश में भी बेच सके, कंपनियों को भी बेच सके, अन्य सेक्टर को भी दे सके, खुद भी मार्केटिंग कर सके। इस तरह का कानून, यह किसान को पुरजोर छूट है और उसको आय का बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनेगा यह बिल। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। इसके अलावा एक और खुशी की बात है कि अब किसान प्रसंस्करण के लिए काफी मात्रा में कृषि उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं, ताकि वे निर्बाध रूप से अपनी उपज का मूल्य संवर्धन कर सके। यदि फसल का बाजार में दाम कम मिल रहा है या उत्पादन अच्छा होने से दाम कम हो गए हैं, तो ऐसे में किसान उपज का प्रसंस्करण कर नुकसान को कम कर सकेंगे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खेती के साथ साथ अगर पशुपालन को अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर आप अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में, जिसे आसानी से कोई भी कम लागत से शुरू कर सकता है। खासकर हमारे युवा किसान जो कि खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वे मधुमक्खी पालन को अपनाते हैं तो उसमें उन्हें रोजगार भी मिल सकता है। किस तरह से आप कर सकते हैं मधुमक्खी पालन, आइए जानते हैं हमारे आज के इस सेगमेंट में। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो पालक के साथ साथ औरों के जीवन में भी मिठास खोलता है। शहद की बढ़ती मांग की वजह से लकड़ी के बक्सों में बंद ये मिठास बहुतों का जीवन संवार रही है। इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा है, साथ ही इसे महिलाएं आसानी से समझकर कुटीर उद्योग का रूप दे सकती हैं। लेकिन इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है जानकारी का होना, जो किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर एकत्रित की जा सकती है। मधुमक्खी पालन भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है लुधियाना के युवा मधुमक्खी पालक कुलवीर सिंह। कुलवीर पहले नौकरी पेशा थे, लेकिन नौकरी से गुजारा चलना थोड़ा मुश्किल था। जमीन ना होने के कारण कुलवीर खेती में आगे बढ़ने में असमर्थ थे। कुलवीर ने इस समस्या को अपनी ताकत बनाया और भूमिहीन किसानों के लिए वरदान मधुमक्खी पालन शुरू किया।
इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन लिया, जिससे व्यवसाय में जोखिम को कम किया जा सके। छोटे स्तर पर शुरू किया गया इनका ये व्यवसाय आज अपने पंख पसार रहा है। वे बताते हैं कि कोविड के दौरान भी इसकी मांग में कोई कमी नहीं आई, बल्कि और इजाफा देखा गया। इसके अलावा मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसानों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। हर किसान या युवा इससे जुड़कर अपना सुनहरा भविष्य बना सकता है। कुलवीर बताते हैं कि इससे जुड़ने से पहले उन्हें नौकरी में मासिक आय 5 से 10 हजार होती थी, जबकि मधुमक्खी पालन से अब वे सालाना 15 से 20 लाख का मुनाफा कमा रहे हैं। और मैं एक मधुमक्खी पालक हूँ। उससे पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, पर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने के बाद, लैंडलेस होने के बाद भी मैंने मधुमक्खी का काम शुरू किया है, और जो बहुत ही बढ़िया काम है। अब उससे मेरी इनकम में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी हमने अपने जो शहद किया है वो पैकिंग करके मार्केट में उतार दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है। मैं बाकी किसान भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी के पास लैंड नहीं है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ के अपना जो है मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ हनी का ही नहीं, इसमें हम बी वैक्स और बी पोलन और प्रोपोलिस, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में ला सकते हैं, और अपने साथ साथ इनकम के साथ साथ अपने देशवासियों की सेहत का भी हम लोग ख्याल रख सकते हैं। कुलवीर का कहना है कि किसान फसल उत्पादन के साथ भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इससे फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। कुलवीर मानते हैं कि देश के युवा आत्मनिर्भर होने के लिए मधुमक्खी पालन जैसा सस्ता और सरल विकल्प चुन सकते हैं, जबकि इसमें मुनाफा कई गुना है। जो भी किसान छोटे फार्मर हैं या बिना जमीन के फार्मर हैं, उनको मधुमक्खी पालन का काम जो है बहुत जल्द शुरू कर देना चाहिए। इसकी डिमांड भी बहुत है, क्योंकि मार्केट में अपने जो पंजाब में हैं, पंजाब में मधुमक्खी पालक बहुत ज़्यादा हैं और उनका काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है। इसका ये भी नहीं है कि अगर ज़्यादा किसान हो जाएंगे इनकम कम नहीं होती, और मार्केट की जो नीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा शहद की बढ़ती जा रही है, और किसानों को आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज से पहले मेरी 5-10 हज़ार रुपया महीने की इनकम थी, पर अभी मेरे पास समथिंग 200 के करीब 20 कॉलोनीज जो हैं वो रन कर रही हैं, और मेरी इनकम हर साल की लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक की हो गई है। पिछले जो अभी हमने देखा कि कोरोना काल आया था, कोरोना में भी हमारे जो शहद की डिमांड है वो उतनी बनी रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा, किसानों को सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है मधुमक्खी पालन का काम जल्द से जल्द शुरू करें। इस तरह कह सकते हैं कि भूमिहीन किसान इसे अपना कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही अपना और आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं सरकार भी हर संभव प्रयास कर कृषि में अपनी भूमिका निभा रही है। किसान या युवा सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर भी देश को और स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी फार्मर है जिसके पास इनकम कम हो रही है, वो अपने खेतों में भी मधुमक्खी के कुछ कॉलोनी से रख सकता है, जिससे बी पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अपना ये फसल जो है, फसल की क्रॉप बहुत अच्छी हो जाती है, ये पॉलिनेशन का भी काम करती है साथ में। तो किसान, जो भी किसान अगर फार्मर जिसके पास ज़मीन है, अगर नहीं भी है तो वो दोनों ये काम कर सकते हैं। जिनके पास तो ज़मीन है वो अपनी फसल में मधुमक्खियों के डिब्बे रख सकते हैं, उनकी पॉलिनेशन से उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी आपने मधुमक्खी पालन के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दे। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं।
इसके साथ ही किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम गांव किसान में वक्त उछला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान हिरेन शर्मा जी से, जो कि रहते हैं असम में, और किस तरह से खेती और पशुपालन को साथ साथ लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं के मुंह जुबानी। असम एक खूबसूरत राज्य है। प्रकृति की गोद में बसे इस राज्य की राजधानी है गुवाहाटी। गुवाहाटी से करीब 2 घंटे की दूरी पर है जिला मोरीगांव। इसी में रहते हैं किसान हिरेन शर्मा। खेती और पशुपालन में अपना परचम लहरा रहे हिरेन का पहले इससे कोई नाता न था, लेकिन इस समय हिरेन खुद तो सबल हो ही रहे हैं, साथ ही गांव के बाकी किसानों को भी राह दिखा रहे हैं। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद हिरेन परिवार की जिम्मेदारियां निभाने नौकरी की तलाश करने लगे। उनकी तलाश खत्म हुई और हिरेन को एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। नौकरी से गुजर बसर चलने लगी, लेकिन किन्हीं कारणों से नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद हिरेन खुद का व्यवसाय करने का विचार बनाने लगे और एक फार्म खोला। इसके पहले हिरेन ने प्रशिक्षण लिया। वे बताते हैं कि प्रशिक्षण में हर छोटी लेकिन जरूरी बातों को सिखाया जाता है और ये छोटी छोटी बातें ही सफलता के द्वार खोलती हैं। हिरेन ने मुर्गी पालन, सूकर पालन भी किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सूकर पालन का काम छोड़ना पड़ा। इसके बाद हिरेन ने गौ पालन शुरू किया। पशुपालन के साथ हिरेन मौसम के हिसाब से अलग अलग खेती भी करते रहे। इतना ही नहीं, हिरेन खुद के तालाब में मछली पालन भी कर रहे हैं। 1990 में मैंने वेटनरी विभाग की तरफ से रानी में स्थित फार्म मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर से गोपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन में 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद उन लोगों की ही देख रेख में मैंने ये काम शुरू किया और तब से मैं गोपालन कर रहा हूँ। ट्रेनिंग से मुझे काफी फायदा हुआ। मैंने नई नई तकनीक के बारे में काफी कुछ सीखा, जिसे मैं अपने काम में इस्तेमाल में ला रहा हूँ और मुझे फायदा भी हो रहा है। अपनी मेहनत से हिरेन ने हर संभव प्रयास कर सफलता पाई। आज उनकी सफलता की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन इस दौरान हिरेन ने मुर्गी पालन का काम भी बंद कर दिया और पूरी तरह से गोपालन पर फोकस करने लगे। उनके इस काम में उनके परिवार का हर सदस्य सहायता करता है। एक समय था जब उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी न थी, लेकिन नाबार्ड से सहायता मिलने के बाद पूंजी की व्यवस्था भी हो गई और आज उनका ये व्यवसाय उनकी आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। हिरेन बताते हैं कि शुरुआत में गोपालन में उन्हें पशु हानि भी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह जानकारी का अभाव था। इसके लिए हिरेन ने पशुपालन विभाग से सहायता ली और जानकारी मिलने के बाद हिरेन अब साफ सफाई और पशु के आहार पर विशेष ध्यान देते हैं। पहले कम जानकारी होने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ। फिर धीरे धीरे जब जानकारी बढ़ने लगी, तब मुझे अलग अलग गायों के बारे में मालूम पड़ने लगा। उनमें होने वाली अलग अलग बीमारी के बारे में मुझे मालूम पड़ा, जिसके लिए मैंने अलग अलग तरह के प्रशिक्षण लिया, लेकिन मुख्य बात थी साफ सफाई। इसलिए हम हर दिन सुबह 4 बजे दूध निकालते थे
फिर दाना डाल के हर एक गाय को हम नहला देते थे। इस सिस्टम को मैंने अपने फार्म में नियमित रूप से लागू कर दिया, जिससे मेरा नुकसान कम होने लगा और आमदनी बढ़ने लगी। हम जितना हो सके अपने फार्म में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वो जगह की साफ सफाई हो या फिर पशुओं की। इन सावधानियों का ही नतीजा है कि उन्हें प्रतिदिन दूध से 6,000 रुपए का मुनाफा होता है। हिरेन ने कुछ पशुपालकों के साथ मिलकर एक संगठन भी बनाया। इसमें दूध से बने उत्पाद और दूध का बेहतर दाम मिलने लगा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे पशुपालकों को मिलता है, जिसके वे हकदार हैं। हिरेन की इन कार्यों की सराहना गांव के किसान तो करते ही हैं, साथ ही समय समय पर मार्गदर्शन भी ले लेते हैं। उनके इन सफल प्रयासों के लिए हिरेन शर्मा को CARI की ओर से राज्य का श्रेष्ठ किसान और श्रेष्ठ गौपालक होने का सम्मान, इसके अलावा हिरेन को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। वाणिज्य और कृषि में लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा है। हमने भी देखा है कि वाणिज्य और कृषि से ही अपने आर्थिक स्थिति को हम खुशहाल बना सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं एक समय में साइकिल के दोनों तरफ दो बड़े बर्तन में भर कर दूध ले जाता था, घर घर बेचता था। करते करते आज मेरे पास गाड़ी हो गई है, अब मुझे साइकिल से नहीं जाना पड़ता। मेरी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। अगर कोई भी किसान अपने मन में ठान ले कि उसे खेती में या पशुपालन में आगे बढ़ना है और पूरी जानकारी हासिल करने के बाद वो अपने काम को अच्छे से करे, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के गांव किसान में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप सभी को नववर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।